गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी डल स्किन पर ग्लो लाएगी, अनइवन स्किन टोन को इवन करेगी, स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी और आपके स्किन के स्कार्स, सन टैन, दाग धब्बे को भी ये दूर कर देगी और यहाँ तक कि आपके स्किन के पिगमेंटेशन को भी ये दूर कर देगी। और स्पेशली ये क्रीम आपकी एजिंग साइन लाइक फाइन लाइन, रिंकल्स को रेड्यूस करके आपके स्किन को यंग बनाएगी। सो इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है बीट रूट मिल्स चुकंदर। बीट रूट में हाई अमाउंट में होता है आयरन और वैसे तो इसे खाने से भी हमारे स्किन पर चमक आ जाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड को बढ़ाता है। लेकिन आज मैं आपको इससे बनी एक ऐसी स्पेशल क्रीम बताने वाली हूँ जिसके बेनिफिट्स तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। और ये क्रीम हर मौसम में आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी और चेहरे पर नेचुरल ग्लो और निखार लाएगी। तो चलिए इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हाफ बीट रूट लें और अब इसको पील ऑफ कर लें। अब इसको छोटा छोटा कट कर लें और इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका जूस निकाल लें। बीट रूट में विटामिन सी होता है जो कि स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके यूज से चेहरे पर एजिंग साइन नहीं दिखते जिससे कि स्किन यंग दिखती है। अब एक क्लीन बाउल लें और इसमें बीट रूट जूस की 4 से 5 ड्रॉप ही लें क्योंकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, इसलिए हमें इसकी बस कुछ ही ड्रॉप्स लेनी है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये गर्मियों में हमारे स्किन को धूप से बचाता है और स्किन पर सनबर्न नहीं होने देता। इसके अलावा एलोवेरा जेल स्किन पर एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है और ये कील मुहासों को भी दूर करता है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 4-5 ड्रॉप्स बादाम ऑयल। बादाम ऑयल स्किन को डीपली पोषण देता है और स्किन के रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन को दूर करता है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई चेहरे की नेचुरल चमक बनाए रखता है और साथ ही ये स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्पफुल होता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें और अब ये हमारी बीटरूट वाइटनिंग क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी है। तो अब इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लें। इसे 1 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो। बस इसे आप फ्रिज में रखें और डेली सोने से पहले स्किन पर ये क्रीम अप्लाई करें। सो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रीम हमारी स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गई है। अगर आपको चेहरे पर लगाने के बाद क्रीम का कलर डार्क दिख रहा है तो आप इसमें 1 स्पून एलोवेरा जेल और ऐड कर लें, इससे क्रीम का कलर लाइट हो जाएगा। बट मेरी क्रीम का कलर बिल्कुल परफेक्ट बना है। बीटरूट से बनी ये क्रीम बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इस क्रीम को बड़ों से लेके बच्चों तक हर कोई यूज़ कर सकता है क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को बहुत से बेनिफिट्स देगी। इसे डेली नाइट में सोने से पहले अपने फेस पर अप्लाई करें और कुछ ही दिन में आपका फेस ग्लो करने लगेगा, स्किन टैनिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, कलर आपका फेयर दिखने लगेगा और अनइवन स्किन टोन बिल्कुल इवन हो जाएगी। साथ ही ये एक्ने के मार्क्स को रिड्यूस करके आपके स्किन को क्लियर कर देगा। सो काफी बेनिफिट्स हैं इस क्रीम के। आप भी इस नेचुरल वाइटनिंग क्रीम को घर पर बनाओ और यूज करके देखो, आपकी स्किन को भी ये ब्राइटन एंड लाइटन कर देगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।